हुसैन राणा और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये एडीपी से रिलेटेड है। एडीपी डिग्री से रिलेटेड मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज़ एडीपी एडीएस डिग्री इन पाकिस्तान। आपको पता है रिसेंटली ये डिग्री जो है वो अनाउंस की गई है बीए बीएससी को रिप्लेस करने के लिए। इस वीडियो में मैंने इसका एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन दिया था। आप काइंडली 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 अगर इस वीडियो को पहले देख लें, अगर आपके इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास आप यहाँ पर देखें तो कमेंट्स में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो है पूछी हुई हैं। कुछ मैं कर सका रिप्लाई, कुछ नहीं कर सका। मेरी कोशिश होती है कि सारी हो जाएँ रिप्लाई, लेकिन एक जो क्वेश्चन था और वो ये था कि सर एडीपी डिग्री जो है वो हमारे पास जब हमें मिलती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या स्कोप होता है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, अब उसको क्लिक करेंगे मेरी वीडियो, अब मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और डेफिनेटली जो है वो मेरे लिए ये एक जो है वो डेफिनेटली खुशाइंद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पॉइंट्स अगर आप मिस कर जाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें और कुछ जो है वो डिफरेंट वे से चली जाती हैं। सबसे पहले एडीपी जो हमारे पास बीए बीएससी की डिग्री है जी, ये अनाउंस की, ये एडीपी बीए बीएससी को उन्होंने यूं समझे रिप्लेस करने के लिए इसको जो है वो किया था, मार्केट में लेकर आए थे। इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चे जो हैं वो 2 साल के लिए जी एनुअल एग्जाम्स, ज़्यादातर एनुअल के थ्रू पढ़ते हैं, बट देयर आर सम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर सेमेस्टर में भी बच्चे एडीपी थ्रू पढ़ रहे होते हैं। सो ये भी हमारे पास जो है वो पॉसिबल है कि आपको एडीपी जो है वो प्रोग्राम में सेमेस्टर के थ्रू पढ़ाया जाए, लेकिन ये कि 2 साल की आपकी ये डिग्री होती है। और इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आपने जो है वो हमारे पास उसका सुना हुआ है जो हमारे पास बीए बीएससी का है, वैसे ही ये डिग्री है। और आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो जो हमारे पास हैं साइंस वाले ना, जिसमें जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं वो आप उनको प्राइवेट नहीं कर सकते, वो रेगुलर ही करना पड़ता है। लेकिन जनरली अगर आप कहीं से एडमिशन भेज दें तो आप ट्यूशन सेंटर में उसकी तैयारी कर कर भी ये दे देते होते एग्ज़ाम, तो दैट्स कैन बी प्रोसेस, वो हो जाता होता, चल जाता। खैर इसमें अगर हम बात करें तो जो है वो हमारे पास बीए बीएससी की डिग्री को रिप्लेस करने के लिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी बनाया गया। और ये भी हमारे पास आप देखें तो इसमें फिर आगे एडीएस है, अगर आप साइंस में जाते हैं ना तो एडीएस है, अगर आप आर्ट्स में जैसे बीए कर रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक बीए, तो वो एडीए, एडीए बीए का दूसरा नाम है। उसके बाद अगर आप जो है वो हमारे पास जिसको आप कहते हैं कि आप लाइक कॉमर्स में हैं, कॉमर्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो एडीसी। अब इसका स्कोप ये होता है कि जनाब इसके बाद जो है वो आपको 2 साल की डिग्री मिल जाती है, इसमें कोई मतलब वो बहाम नहीं है कि आपको डिग्री नहीं मिलती, डिग्री आपको मिल जाती है। और बीएस ऑनर क्योंकि 4 साल का होता है और उसमें जो डिग्री होती है ना आपको, वो आपको डिग्री बीएस में क्योंकि आपको जो है वो 4 साल लगाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको डिग्री मिलती है, यहाँ पर 2 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले लें। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन जो हैं बीए, जब बीएस ऑनर्स के होते हैं तभी होते हैं, अभी जो है वो हमारे पास ये कल्चर नया नया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही, उसकी हर एक की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आई थिंक सो जो है वो मैंने बना दी है और आई थिंक आपके सारे जो है वो क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अब जो बड़ी बात है वो ये है कि एडीपी के बाद सीएसएस करने का तरीका क्या है, यानी ये जो है क्वेश्चन बड़ा रिपीट हुआ कि सर क्या एडीपी के बाद हम सीएसएस कर सकते हैं। सीएसएस जी एक हमारे पास जो है वो एक मुकाबले का इसको इम्तिहान भी कहते हैं और ये हमारे पास इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको आपने बैचलर किया हो। तो सीएसएस जो है इसको करने के लिए डेफिनेटली जो है वो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं हर दफ़ा एंड देन सो ऑन। इसमें मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा आपको सीएसएस का, लेकिन ये कि हमारे पास ये एक जो है वो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें जो है वो हमारे पास बड़े बच्चों की ये कोशिश होती है कि वो इसमें इसके ज़रिए कामयाब हो जाएं। तो सीएसएस जो है वो क्या एडीपी के बाद कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा क्लेरिफाई आंसर ये है कि जी बिल्कुल,
आप बीएससी यानी कि क्योंकि आप एडी भी कर रहे हैं, बीए बीएससी के इक्वल है 2 साल की जो हमारे पास डिग्री है आपकी, तो ये इसके इक्वल है, तो आप जो है जरूर जी आप कर सकते हैं। आपने एडीएस किया है, एडीए किया है, आपने उसके बाद जो है वो आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अभी अभी की मैं बात करूं, आज की जो डेट है उसकी बात करूं, तो आपके सामने जो है वो हमें यहां पर एफपीएससी की वेबसाइट पर चला जाता हूं। इस एफपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि यहां पर, अच्छा अब हो ये रहा है कि सीएसएस करने से पहले एक आप इसको समझें कि एक टेस्ट होता है जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं, तो देन सीएसएस का आप एग्जाम देते हैं, इसको कहते हैं एमपीटी। एमपीटी की रजिस्ट्रेशन जारी है, उस बारे में जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जो है वो हमारे पास वो सारा देख सकते हैं। तो आप एमपीटी में अगर आपने एडीपी कर लिया है, पेपर दिए हुए हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर सीएसएस एग्जाम। आप सीएसएस के लिए जा सकते हैं, एमपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो है वो डेफिनेटली अगर आपकी जबरदस्त तैयारी हो, अगर आपकी अच्छी, और बहुत सारे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो है वो लोग कर रहे हैं, देर आर सो मैनी। अगर आप जो है वो कमेंट में मुझे अगर पूछेंगे, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, देर आर मैनी इंस्टाग्रामर्स, इंस्टाग्राम पे लोग हैं जो एडीपी के साथ सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी रूटीन और ये सारी चीजें भी आप जान सकते हैं। इस हवाले से भी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इफ यू वांट, अगर आप जो है वो जानना चाहें तो मैं हाजिर हूँ जी। आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करते रहना है मुझे, तो जी आप इस पर अप्लाई करें, सीएसएस करें और अफीसर बने, अफीसर बने, अफीसर बने, और हमें दुआएं दें, और हमारी दुआ जी आपके लिए है। तो अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे, और नीचे कमेंट में आमीन लिखिएगा। और इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।